प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज है आपके वेक्टर का लेक्चर नंबर 14, जिसके अंदर हम आपके 13.3 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आज करेंगे। तो बच्चों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आपको मेरा जो होमवर्क दिया हुआ है और जो प्रीवियस आपको एग्जाम्पल करवाई गए हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो जो क्वेश्चन है कि सदिश ए सदिश और बी सदिश के लिए सिद्ध कीजिए। आपको क्या करना है बच्चों, दो वेक्टर दिए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके लिए आपको ये प्रूव या था सिद्ध करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए, फिर है ए डॉट बी, यहां पर भी है स्टूडेंट ए डॉट बी, और फिर यहां पर है बी डॉट बी। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन हो उसे सॉल्व करने की जो सबसे पहले प्रोसेस ये होती है कि आप LHS को सॉल्व कर लो। यदि वो आप RHS के इक्वल कम्प्लीटली बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि ऐसा ना हो तो आप RHS को भी सॉल्व करो और दोनों को क्या ले आओ, इक्वल अर्थात बराबर ले आओ। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा यहां पर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्रॉस बी का जो होल स्क्वायर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा एन केप का स्क्वायर। फॉर्मूला याद होगा ए क्रॉस बी का, क्या होता है ए क्रॉस बी का स्टूडेंट फॉर्मूला, ए बी साइन थीटा एन केप। अब स्क्वायर है तो सभी का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और वेक्टर के स्क्वायर को आप उसके मोड का भी स्क्वायर कर सकते हो। फॉर्मूला बताया हुआ है, ए स्क्वायर को मोड ऑफ ए स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एन केप का मैग्नीट्यूड होता है 1 और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1, अर्थात ये रिजल्ट हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जिसको लिखा जाता है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। बताइए स्टूडेंट इतनी बात समझ आ गई, कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए डॉट ए ए डॉट बी ए डॉट बी और यहां पर बी डॉट। तो सबसे पहले हम जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला वो लगाते हैं। रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आप सब जानते हो ए डॉट ए क्या होगा, ए का स्क्वायर यानी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसको सीधा ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। फिर बारी आती है ए डॉट बी, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। फिर ये ए डॉट बी, तो इसको भी क्या लिखा जाएगा, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा आएगा स्टूडेंट, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी कि ए डॉट बी वो ए बी साइन थीटा नहीं होकर ए बी कॉस थीटा होता है। अब सारणिक के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हमारे पास स्टूडेंट आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यदि यहाँ से मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। और स्टूडेंट यदि आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री का आपका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट देखिए क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आया, यहाँ पे भी रिजल्ट क्या आया स्टूडेंट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आया। तो यहाँ से रिजल्ट ये लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए ए डॉट बी ए डॉट बी और बी डॉट बी का
मैग्नीट्यूड, सॉरी डिटर्मिनेंट। कोई डाउट है? क्वेश्चन समझ आ गया होगा स्टूडेंट? अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन ये था कि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर हैं अलग, हमें ये प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी का जो होल स्क्वायर है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी और बी डॉट बी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, मैंने लिया ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्रॉस बी का जो स्टूडेंट फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसे लिख सकते हो ए बी साइन थीटा एन केप। अब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एन केप के स्क्वायर को आप उसके मैग्नीट्यूड का बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना है, वन, तो वन का स्क्वायर कितना है, वन ही। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहले से सॉल्व कर ली, अब बारी आती है आर एच एस की। तो आर एच एस को लिखा यहाँ पे ए डॉट ए क्या होगा, ए स्क्वायर, ए डॉट बी ए बी कोस थीटा, फिर ए डॉट बी ए बी कोस थीटा, और बी डॉट बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। डिटर्मिनेंट्स को सोल्व कीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वन माइनस को स्क्वायर थीटा, और वन माइनस को स्क्वायर थीटा स्टूडेंट आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ से देख सकते हो आपकी जो एल एच एस है और आर एच एस है दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो यहाँ से रिजल्ट संतुष्ट होगा। कोई डाउट है? हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन नंबर फोर है, अब उसकी बारी आती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा हूँ सिद्ध कीजिए यानी प्रूव करना आपको कि ए क्रॉस बी प्लस सी, फिर प्लस है बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये कुछ ऐसा है स्टूडेंट कि ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, जीरो। बच्चों जितना टिपिकल ये क्वेश्चन लग रहा है एक्चुअली उतना नहीं, सिर्फ सिंपल से जो आपको प्रोसेस बताई गई अभी तक आप उसके ऊपर डिपेंड रहिए, बाकी क्वेश्चन तीन या चार लाइनों का ही है। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अर्थात बंटनता है इस पर वो लगा दीजिए, तो बंटनता के अनुसार ये क्या हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है इतना। सेम यही प्रोसेस इन दोनों पे भी लगाते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए फिर प्लस सी क्रॉस ए, सॉरी यहाँ पे प्लस है स्टूडेंट, प्लस सी क्रॉस बी। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करना है, हमें जीरो बनाना है, तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है स्टूडेंट कि इन सब को आपस में कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है ना कि इक्वल में जीरो आए, क्योंकि सब वैल्यू प्लस में है, प्लस में है तो सीधा तो पॉसिबल है नहीं, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाए ताकि रिजल्ट बन जाए। तो सबसे पहले देखिए ए क्रॉस बी एच ई टी जी एक बार लिखा मैंने, ए क्रॉस सी को भी एज इट इज लिखा और बी क्रॉस सी को भी एज इट इज, यानी स्टार्ट के जो थ्री है उनको चेंज नहीं किया। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या है बी क्रॉस ए, ये क्या है बी क्रॉस ए, और आपको बताया गया है कि जब आप वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करते हो यानी ए क्रॉस बी को यदि बी क्रॉस ए लिखते हो तो उसके आगे कौन सा साइन आ जाता है, नेगेटिव साइन। यानी यदि मैं बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखूंगा तो इसके आगे स्टूडेंट कौन सा साइन जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव साइन, ठीक है। सेम प्रोसेस सी क्रॉस ए को यदि मैं ए क्रॉस सी लिखूंगा तो भी नेगेटिव साइन, और सी क्रॉस बी को भी बी क्रॉस सी लिखूंगा तो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन इसके सामने जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये जानते हैं कि वेक्टर के अंदर डायरेक्शन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। तो अब आप देखिए ए क्रॉस बी से ये ए क्रॉस बी कैंसिल, फिर स्टूडेंट ए क्रॉस सी से
ये ए क्रॉस सी भी कैंसिल और बी क्रॉस सी से ये बी क्रॉस सी कैंसिल, तो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, जीरो। तो बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ आपको देखने पर लग रहा है, इसलिए बच्चों मैं बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, जो बेसिक आपको समझाया गया है भी, कोई भी हमने जितनी भी आपकी एक्सरसाइज की उनसे पहले हमने जो एक या दो लेक्चर उसके बेसिक पर जरूर लगाए हैं, वो इसी वजह से कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ प्रोसेस थोड़ी सी स्टार्टिंग करनी समझ आ जाती है, उसके बाद तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, वो देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए कैप बी कैप सी कैप इस प्रकार के इकाई सदिश है, इकाई सदिश का मतलब स्टूडेंट कि ये यूनिट वेक्टर है, ए कैप बी कैप और सी कैप कोई यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर क्या होता है हम सब जानते हैं कि जिनका मैग्नीट्यूड अर्थात जिनका परिमाण एक हो उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। और इसका रिजल्ट ये दिया कि ए डॉट ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू जीरो और ए कैप डॉट सी कैप इक्वल टू जीरो। मैं लिख लेता हूँ पहले, सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट ये दिया गया है कि ए कैप बी कैप सी कैप तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो है 1। उसके बाद ये दिया गया है कि ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू ए कैप डॉट सी कैप इक्वल टू जीरो। इसके बाद हमें ये और दे दिया कि B और C के मध्य का कोण पाई बाई 6 है, यानी आपको B कैप और C कैप इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो है स्टूडेंट पाई बाई 6। तब सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव करना है A कैप इक्वल टू प्लस माइनस 2 B कैप क्रॉस C कैप। तो जो प्रूव करना है एक उसके आधार पे, और ये जो दो बातें लिखी हैं उनके आधार पे आपको कोई बात समझ आ रही है क्या स्टूडेंट? सबसे पहले ये देखिए कि जो दिया हुआ है उनसे हम किन किन रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं वो बात सबसे पहले समझना हमारे लिए जरूरी रहेगा। तो देखिए, एक बात तो क्लियर हो रही है कि बी क्रॉस सी आपको करना पड़ेगा, बी क्रॉस सी की हमें जरूरत पड़ेगी नंबर एक। लेकिन आगे की प्रोसेस ये हो रहा है कि आपको ये देखिए कि ए कैप डॉट बी कैप जीरो, ए कैप डॉट सी कैप जीरो। तो स्टूडेंट थोड़ा सा माइंड पे जोर डालिए, प्रीवियस के जो 4-5 लेक्चर पहले की जो बात है उस पर यदि आप दिमाग लगाए हो तो आपको याद आएगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है। तो उसका जवाब ये रहेगा, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत हो या परपेंडिकुलर हो तब हम क्या बोलते हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। तो इससे रिजल्ट में ये बोल सकता हूँ यानी कि जो ए वेक्टर है वो बी पर और ए वेक्टर है वो सी पर, दोनों पर क्या होगा, लंबवत होगा। और हम ये भी जानते हैं तो यदि वो दोनों पर लंबवत है तो ए वेक्टर कुछ इस पोजीशन में लिखा जा सकता है, क्यों ए वेक्टर दोनों पे ऊपर लंबवत है यानी दोनों के ऊपर अभिलंब हो गया। तो जो आपको 13.3 का बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया था उसके ऊपर एक बार अपना दिमाग लगाइए और ये सोचिए कि मैंने कहा था यदि हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें तो ए क्रॉस बी दर्शाता क्या है, ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर दर्शाता है जो ए और बी दोनों के ऊपर लंबवत हो। तो बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर दर्शाएगा जो बी और सी दोनों के ऊपर लंबवत हो। लेकिन अब आपके प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर आपने लैम्डा का मल्टीप्लाई क्यों किया है? तो स्टूडेंट लैम्डा का मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो तो नहीं पता, बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या आएगी वो तो नहीं पता। मैग्नीट्यूड हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड ए का कम हो सकता है ए का मैग्नीट्यूड क्या हो, ज्यादा हो। तो लैम्डा स्टूडेंट मैंने एक डिजिट मान ली, जैसे फॉर एग्जांपल ए का मैग्नीट्यूड 10 है, मान लीजिए भी इसका एक होता है परिमाण, इसका परिमाण मान लो कम आ गया। एग्जांपल देखिए बता रहा हूँ स्टूडेंट, मान लीजिए ए क्रॉस
ए इक्वल टू बी क्रॉस सी और लेमडा है। अब आपको इसकी अगर वैल्यू मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 आ रही है और इसकी 20 है, तो यानी लेमडा को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि 20 हो और इसके 10 हो तो लेमडा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। यानी स्टूडेंट हमें ये नहीं पता कि सिर्फ ए कैप जो है वो लंबवत है ना, तो वो उसके डायरेक्शन का वेक्टर होगा। बी क्रॉस सी सिर्फ ये बताएगा कि वो ए की डायरेक्शन में है, लेकिन एक्चुअली कितना वो नहीं बताएगा। तो हो सकता है कम ज़्यादा हो वैल्यू, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे लेमडा का मल्टीप्लाई करके इन वैल्यू को इक्वल कर लेंगे। इतनी बात क्लियर होगी भी लेमडा का मल्टीप्लाई क्यों किया, बी क्रॉस सी क्यों लिखा, क्योंकि दोनों के ऊपर ये परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत है। तो जो रिजल्ट है वो आप जानते हो, यदि ए क्रॉस बी जो है वो एक ऐसे वेक्टर को ही तो बताता है जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत हो। ठीक है, अब आगे बढ़े स्टूडेंट इसके अंदर। तो अब यदि इस केस में हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले इसको क्या लिखा जाएगा, ए कैप इक्वल टू लेमडा, बी क्रॉस सी को लिख दो बी कैप का मैग्नीट्यूड, सी कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, यही फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वेयर कर देते हैं। तो ए कैप का स्क्वेयर अर्थात इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, लेमडा स्क्वेयर, बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, सी कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू है पाई बाई 6, एन कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा उसका स्क्वेयर। ठीक है, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा और 1 का स्क्वेयर कितना होता है, 1 ही होता है। लैम्डा स्क्वेयर इक्वल टू साइन पाई बाई 6 कितना होता है स्टूडेंट, साइन पाई बाई 6, तो जवाब होगा साइन पाई बाई 6 होता है 1/2 अर्थात 1/2, लेकिन उसका स्क्वेयर है तो हो जाएगा 1/4, 4 उधर मल्टीप्लाई अर्थात गुणा में ले जाओ तो लेमडा स्क्वेयर इक्वल टू 4 एंड लेमडा की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2। और यदि ये वैल्यू मैं लेमडा की यहाँ रख दूँ तो ए कैप है वो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 2 बी कैप क्रॉस सी कैप। यानी रिजल्ट ये बन गया कि जब मैं बी कैप क्रॉस सी कैप की वैल्यू को फाइंड आउट करके प्लस या माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, उस केस में ए कैप जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा और दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा, तो जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू वो क्या देगा, 0। अब देखिए स्टूडेंट, कोई डाउट है क्वेश्चन में, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन था कि ए बी और सी जो तीन है वो यूनिट वैक्टर अर्थात आपकी इकाई सदिश है, यानी तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा और ए डॉट बी ए डॉट सी इक्वल टू 0। यानी यहाँ से रिजल्ट ये निकलेगा, ए जो है वो बी और सी पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि बी क्रॉस सी में यदि मैं किसी न्यूमेरिकली वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो ए कैप बना देगा। यानी ए कैप इक्वल टू मैंने लिख दिया लेमडा बी कैप क्रॉस सी कैप, बी कैप क्रॉस सी कैप को लिखा बी सी साइन थीटा एन कैप, स्क्वेयर कर दिया दोनों तरफ, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसका भी 1, तो इन सभी की जगह तो मैंने 1 लिखा और थीटा है पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 होता है स्टूडेंट 1/2, उसका स्क्वेयर हो जाएगा 1/4, 4 उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ तो लेमडा स्क्वेयर इक्वल टू 4 और लेमडा आ गया प्लस माइनस 2, लेमडा का ये मान यहाँ रख दीजिए तो जो आपको सिद्ध करना है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट है, क्वेश्चन नंबर 6 यदि आपको याद हो मैंने आपको दिया था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर हो गया होगा ये, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया हुआ है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण यानी उसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। कब, जब ए का मैग्नीट्यूड 10 हो, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 2 और ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट कुछ। अब बात आती है थोड़ा सा ध्यान से हमें समझने की। नंबर 1,
कि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर डायरेक्टली नहीं दिए, यानी एक चीज तो क्लियर होगी कि आप ए और बी का डायरेक्टली क्रॉस तो कर नहीं पाओगे। फिर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने की एक प्रोसेस और होती है, ए बी साइन थीटा एन के, क्या प्रोसेस होती है, ए बी साइन थीटा एन के। तो ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, बट प्रॉब्लम ये आ गई कि साइन थीटा नहीं है। अब दिक्कत किसकी आई स्टूडेंट, हमको हमारी दिक्कत ये आ गई कि हमें साइन थीटा कहाँ क्या होगा वो पता करना है। अब बात ये कि साइन थीटा को पता कैसे करें, तो उसके लिए मैं हेल्प लूंगा इसकी, क्योंकि यदि आपको याद हो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है ए कैप डॉट बी कैप डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही होता है। तो यहां से कोस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा ए डॉट बी है 12, ये है 10 इंटू 2, 6 पे जाएगा, फिर 3/5, तो ये आ गया स्टूडेंट 3/5। तो यदि इसे आप सोल्व करके साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी, 4/5। जो हिंदी मीडियम आपने लाल बट्टे कक्का रूल सुना होगा, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो आप जानते हो कि इसका कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वहां से। तो स्टूडेंट अब यदि मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी साइन थीटा एन के, सभी का मैग्नीट्यूड अलग अलग कर दो तो ए बी साइन थीटा ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगी और एन केप का मैग्नीट्यूड। अब ए का मैग्नीट्यूड अर्थात ए का परिमाण 10 है, इसका 2 है, यह है 4/5 और ये है 1, 5 से इसको काट दो 2, तो टोटल आंसर आ जाएगा 16 अर्थात 16। तो स्टूडेंट ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, 16। कोई डाउट है स्टूडेंट क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, सिर्फ आपको प्रोसेस याद होनी चाहिए। ए क्रॉस बी मैं कितने तरीके से पता कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ 2 तरीकों से, या तो ए और बी मेरे पास वेक्टर फॉर्म में हो तो मैं उनके डिटर्मिनेंट मेथड अर्थात सारणी के द्वारा पता कर लूंगा, या फिर ए बी साइन थीटा एन के, मैग्नीट्यूड ए है मैग्नीट्यूड बी गिवन है, तो प्रॉब्लम किससे की रहेगी, सिर्फ साइन थीटा की ही तो रही है। अब साइन थीटा किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है वो देखना था, तो कोस थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो यदि कोस थीटा पता चल जाए तो साइन थीटा में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत आती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट आपके लिए रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपको मैं बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसके ऊपर फोकस रहेगा आपका ये। तो क्वेश्चन है प्रदर्शित कीजिए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल क्या होगा, 2 ऑफ ए क्रॉस बी, 2 ऑफ ए क्रॉस बी, कुछ ऐसा। सोल्व करते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है सबसे पहले ए का क्रॉस होगा, ए क्रॉस ए प्लस बी, फिर माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। तो स्टूडेंट आप सब जानते हो कि जब किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो क्या रिजल्ट देते हैं, 0। जो प्रूव करना है उसमें ए क्रॉस बी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बी क्रॉस ए है, तो इसको ए क्रॉस बी में चेंज कर दो, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, आगे नेगेटिव साइन है, ए क्रॉस बी लिखूंगा तो एक और नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी, तो इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 से, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ट्वाइस हो जाएगा ए क्रॉस बी का। देखिए स्टूडेंट अब पता है कि ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यदि आपको याद हो तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे आइए आप, ये ए बी सी एंड डी, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ये आपका
सॉरी ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर। तो इसके जो दो डायगोनल होंगे, दो विकर्ण होंगे एसी और बीडी, तो एसी क्या होगा ए प्लस बी, और बीडी क्या हो जाएगा बी माइनस ए, ए माइनस बी। यानी तो फिर इससे रिजल्ट क्या निकल गया कि जो ये रिजल्ट है वो आपके, यानी ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये आपके पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, यानी उसके डायगोनल है या नहीं है, डायगोनल है ना, कि ये क्या है समांतर चतुर्भुज के डायगोनल अर्थात उसके विकर्ण है, यानी ये जो है वो ज्योमेट्रिकली समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के गुणनफल को दर्शाएगा। किनको दर्शाएगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के गुणनफल को, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल का जो मल्टीप्लीकेशन है उसके फॉर्मूले को दर्शाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट है, हो जाए क्लियर। स्टूडेंट इसके दो क्वेश्चन और बचते गए हैं, 9th और 10, उनको और कल करते हैं। देखिए जल्दी से, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया आपको कि ए क्रॉस आई कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे कैप, ए क्रॉस जे कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर हमें प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ए वेक्टर को मान लिया जाता है। एक बार मान लिया ए वेक्टर यदि कुछ ऐसा है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, तो सबसे पहले मैं यदि ये फाइंड आउट करूं ए क्रॉस आई, यानी मुझे लिखना होगा स्टूडेंट एक्स आई वाई जे जेड के क्रॉस आई, तो आप जानते हो स्टूडेंट आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा 0, जे क्रॉस आई होगा माइनस के, यानी ये हो जाएगा माइनस वाई के कैप, और के क्रॉस आई होगा प्लस का जे, तो ये हो जाएगा प्लस जेड जे कैप। तो यानी स्टूडेंट मेरे पास ए क्रॉस आई का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। प्रोसेस समझ आ गई होगी। सेम स्टूडेंट यही प्रोसेस यदि मैं ए क्रॉस जे के लिए करूँ तो मैं क्या लिखूँगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्रॉस जे कैप, तो स्टूडेंट आई क्रॉस जे होता है के, तो ये हो जाएगा एक्स के कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप स्टूडेंट क्या होता है 0, और के क्रॉस जे होता है माइनस आई, तो ये हो जाएगा माइनस का जेड आई कैप। तो ए क्रॉस जे कैप का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेम यही प्रोसेस यदि आप देखो तो यहाँ से एक वैल्यू और आपके पास आ जाएगी, एक क्रॉस जे कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर स्टूडेंट आ जाएगा, सॉरी के कैप के, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई कैप आई वाला कंपोनेंट यूज किया तो वाई जेड आ रहा है, जे वाला यूज किया तो एक्स और जेड आ रहा है, तो इस हिसाब से जब के वाला यूज करोगे तो क्या आएगा एक्स और वाई। आपको चाहिए तीनों का सम, तीनों का योग, तो ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का स्क्वायर, इन सब का यदि मैं योग करूँगा तो आप देखिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन सब का योग हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको क्या लिखा जा सकता है 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर जो सिद्ध करना था। ठीक है, और स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपको ये दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की दो सदिश भुजाएं इनसे निरूपित हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप जानते हो पहले को ए वेक्टर दूसरे को बी, तो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आपका क्या होता है ट्रायंगल का एरिया। तो ये स्टूडेंट आपके लिए रहेगा, इस क्वेश्चन को आप आराम से देख लेना। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।